इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 में मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बताया था कि 11 के करीब पिलर्स का कास्टिंग होगा यहाँ पे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो जो 11 पिलर्स है वो कहाँ कहाँ पे पैकेज 2 में है, जहाँ पे कास्टिंग का काम चल रहा है। और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि उन 11 पिलर्स में कास्टिंग का क्या स्टेटस है, क्या पूरा कास्टिंग हो गया या थोड़ा बचा है, या कहाँ पे किस पिलर पे कितना काम रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैकेज 2 एक बार समझा देता हूँ। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आते हैं तो ये सेक्टर 21 का अंडर पास है द्वारका का, और यहाँ से इस पॉइंट से पैकेज 2 शुरू होता है। ये जो आप देख रहे हैं सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ये भरतल चौक है, ये भरतल चौक है, ये दो लूप हैं भरतल चौक के पास। ये सेक्टर 25 है IICC द्वारका का, ये सेक्टर 26 है, और यहां से जब हम आगे जाएंगे इस डायरेक्शन में तो ये धुलसिरस चौक आ जाएगा, और धुलसिरस चौक के बाद अगर आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे द्वारका एक्सप्रेस वे खत्म हो जाता है, और यहां से UER2 शुरू होता है। इस वीडियो में उसका भी आपको थोड़ा सा अपडेट दूंगा मैं कि वो वीडियो कब मैं बनाने वाला हूं। और अगर इस भरतल चौक से हम लेफ्ट ले लेते हैं यहां पे और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इस पॉइंट पे आकर पैकेज 2 जो है, जो दिल्ली का पैकेज 2 है, वो गुड़गांव के पैकेज 3 से मिलता है। तो ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं सेक्टर 22 और 23 के, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पे बने। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, पालम का फ्लाईओवर जो 2x2 लेन का है, हालांकि NHAI ने इसे 3x3 लेन का फ्लाईओवर बनाया है, बट जो पालम का फ्लाईओवर है वो 2x2 लेन का, जिसमें आप, मैं और हम सारे लोग ऑफिस जाने के टाइम पे और ऑफिस आने के टाइम पे, वहां से वापस आने के टाइम पे कम से कम 45 मिनट से एक घंटा हम वहां पे ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह कुछ लोगों ने शोर मचाया होगा आज से 10 या 15 साल पहले या 20 साल पहले कि इस फ्लाईओवर का विड्थ इतना नहीं किया जाए। तो अब जब NHAI फुल प्लानिंग के साथ यहाँ पे फ्लाईओवर बना रही है कि जो नजफगढ़ की तरफ से लोग आ रहे हैं वो, जो गुड़गांव की तरफ से लोग आ रहे हैं वो, जो वसंत कुंज की तरफ से लोग आ रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से लोग आ रहे हैं और वो द्वारका जाना चाहते हैं, तो वो इसी फ्लाईओवर का यूज़ करके यहाँ से फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे इस पॉइंट पे और वो द्वारका की तरफ चले जाएंगे। और या किसी को इन सब डायरेक्शन से उत्तम नगर की तरफ जाना है या सेक्टर 20 की तरफ जाना है या सेक्टर 9 की तरफ जाना है द्वारका का, या सेक्टर 10 की तरफ जाना है या पालम की तरफ जाना है या सेक्टर 21 की तरफ जाना है, या आप मान के चलिए उनको उत्तम नगर जाना है या डाबड़ी मोड़ जाना है, तो वो इसी रास्ते का यूज़ करेंगे यहाँ से, और यहाँ से होते हुए अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं द्वारका के, ये सारे सेक्टर्स के जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं या आसपास के जो भी आबादी हैं, जो लोग हैं, उनको अगर गुड़गांव जाना है तो वो यही रास्ता यूज़ करेंगे। और अब क्या है कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर मत बनाओ। तो भाई यहाँ के, अगर यहाँ ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा ऊपर चढ़ने का और उतरने का, तो इसके यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम होगा और ट्रैफिक जैम की वजह से जो पॉल्यूशन होगा, इसकी जिम्मेदारी क्या आप लोग लेंगे जो इसको अपोज कर रहे हैं? और बहुत ही हैंडफुल लोग हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन जहाँ हो रहा है पेड़ को, उसको बोल देते हैं वो पेड़ कट रहा है, मतलब झूठ अफवाह फैलाते हैं वो। तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ही फ्लाईओवर से आप गुड़गांव इजली जा पाएंगे, नजफगढ़ इजली जा पाएंगे, एयरपोर्ट इजली जा पाएंगे। तो ये फ्लाईओवर बहुत बनना ज़रूरी है, एंड आई थिंक NHAI इस फ्लाईओवर को बनाएगी। हम सबका सपोर्ट है, मैक्सिमम जो रेसिडेंट्स हैं द्वारका के, मैक्सिमम जो सोसाइटीज़ है द्वारका की, वो इसको ऑलरेडी सपोर्ट करती है। कुछ लोग हैं, हैंडफुल ऑफ लोग, मे बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो नहीं चाहते हैं ये फ्लाईओवर बने। और अगर उनको ये फ्लाईओवर बनवाना ही है तो वो DDA से बात करके ये फ्लाईओवर बनवाएं, उनके साथ, उनके प्लानिंग टीम के साथ बैठे और डिस्कस करें और इस फ्लाईओवर का काम आगे शुरू करवाए, सो डैट जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा अगले 1-1.5 साल में, तब तक ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट करवा लेंगे वो DDA से। और अगर आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अक्टूबर में इन लोगों ने क्या किया कि जो ब्रांचेस कटे थे ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वहाँ पर जाकर आग लगा दिया, और उसके बाद 1 सेकंड के अंदर वहाँ पर न्यूज़ चैनल्स भी आ गए। ये तो इनका CDR निकलेगा, कॉल डिटेल निकलेगा और डेटा डंप निकलेगा, तो पहले से पता चल जाएगा कि न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे थे या नहीं थे, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। और जब उस आग लगाने के इंसिडेंट के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, ट्री ट्रांसप्लांटेशन का काम चलता गया, तब इन्होंने इस फ्लाईओवर के लिए जन आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम तो भाई प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप 100 लोग आएंगे तो हम 10,000 लोग आएंगे,
और इन्हीं सोसाइटीज़ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका घर खुद ही है द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो ये उनके वॉइस बन के ये कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर नहीं बने? वो तो चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर बने। ये कुछ कुछ लोग हैं सिर्फ जो नहीं चाहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर बने। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं इस सोसाइटी में भी जो अपोज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि ये फ्लाईओवर बने, क्योंकि उनको पता है फ्लाईओवर नहीं बनेगा तो यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम और पॉल्यूशन होगा होगा। अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो उसके नीचे आराम से बहुत अच्छा सा ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं, और अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े हमारी तो हमें बताइए, हम आके पेड़ लगा देंगे आपके लिए वहाँ पे। और अगर प्रोटेस्ट करने का ही सलूशन है तो आपसे बड़ा प्रोटेस्ट हमने किया है और बहुत बार किया है, 2016 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और आपसे 10 गुना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे कि इस फ्लाईओवर को बनवाया जाए। साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, पूरा द्वारका, उत्तम नगर, पालम, न्यू पालम विहार, गुड़गांव, सब के लोग चाहते हैं कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर यहाँ पे बने, और हम इस फ्लाईओवर को बनवा के रहेंगे, ये भी गारंटी आप लिख के रख लीजिए। अब इस वीडियो को जैसे जैसे मैं आगे जाते रहूँगा तो उस मैप में मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस सेक्शन में हूँ। आपने पैकेज टू का मैप समझ लिया है। वीडियो मैं शुरू करूँगा इस सेक्शन से। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज टू में हूँ, और मैंने आपको ये बताया था कि अगस्त में तकरीबन 11 के करीब पिलर्स है जो कास्ट हो जाएंगे। तो आपको इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था वो सेक्टर 27-28 द्वारका का बनाया था, जिसमें आपको दिखाया था कि छोटा सा नीचे से पिलर कास्ट होना शुरू हुआ है, दो फुट का करीब कुछ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा फुल फ्लेज पिलर। मेरे साथ अमित हैं जय कुमार से, और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एक पिलर, और इसके साथ वहाँ पे पीछे आप देखिए दूसरा पिलर, ये ऊपर तक कास्ट हो गया है। तो एक्चुअली में पिलर ऑफ होप वो वाला नहीं है, ये वाला होगा, क्योंकि पहले ये कास्ट ऊपर तक हुआ है। और इस वाले वीडियो में मैं आपको वॉक थ्रू देने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर पिलर कास्टिंग का काम चल रहा है पैकेज टू में, और यहाँ पे आप जो लॉन्चर होता है, जो एलिवेटेड रास्ते को बनाने के लिए लॉन्चर लगाना होता है, जो एलिवेटेड रास्ता है उसको बनाने के लिए जो लॉन्चर लगता है, तो मैं आपको ये डेट भी बताऊँगा कि यहाँ पे पैकेज टू में आप लॉन्चर का काम कब से होता हुआ देख पाएंगे। इस समय मैं सेक्टर 24 में हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के, ये द्वारका का दिल्ली का पार्ट है पैकेज टू का। यहाँ से अगर हम आगे चले जाएंगे तो नजफगढ़ का ड्रेन आ जाएगा, जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, और उसको क्रॉस करेंगे तो UER2 शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट पिलर है, यहाँ पे देखिए एक पिलर, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अमित जी, मुझे दो पिलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ और वहाँ, और ये टैंकर आया हुआ है। ये टैंकर किस लिए आया? क्यूरिंग के लिए आया हुआ है। किस चीज़ के लिए? ये हमारे पिलर्स की जो क्यूरिंग हो रही है। क्यूरिंग मतलब उसमें जो पानी डाल के उसको तराई करते हैं। ओके, तराई करते हैं। ओके, ये एक तरीके से ये ग्लूकोज का काम करती है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखा देता हूँ पिलर का। ये देखिए, ये पहला पिलर और ये दूसरा पिलर। बेसिकली ये वो सेक्शन है, अगर आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे होंगे तो यहाँ पे पिलर का जो स्लोप है वो ऐसे करके नीचे आएगा, और अगर आप नजफगढ़ की तरफ से आ रहे होंगे तो यहाँ से स्लोप से आप ऊपर की तरफ फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया में तीन पिलर का कास्टिंग हो गया, दो पिलर तो काफ़ी ऊपर तक हो गए, इसके अलावा भी कोई पिलर कास्ट हुए हैं यहाँ पे? जी नहीं, अभी ये दो हुए हैं। हाँ, और इसके पीछे हमने एक देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कास्ट कर रखा है ये। हाँ, इसमें मुझे दो चीज़ दिख रहे हैं, एक तो आपने नीचे कास्टिंग करके रखा हुआ है। जी हाँ जी हाँ। उसके बाद वो स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? रिंग्स लगी हुई है इसमें। अभी इसके ऊपर हमें कास्ट करना है। ये रिंग लगी होती है, हमें रिंग लगानी है इसमें। ओके, विदाउट रिंग फिर क्या होता है कि जब ऊपर से कंप्रेशन होगा, हाँ हाँ, अगर रिंग नहीं रहेगी तो हमारे जो मेन बार्स हैं वो कंप्रेशन किसी चीज़ को दबाएंगे तो दो कंडीशंस होती हैं उसमें। इस कंडीशन में क्या होगी, क्योंकि अंदर तो कंक्रीट फ्लोर रहेगा ही रहेगा, तो ये बार हमारी बाहर की तरफ जाएंगे, तो कंप्रेशन के स्टेज में क्या होगा कि ये बकल हो जाएंगी अगर हमने रिंग नहीं लगाया तो। रिंग लगाने से क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी बार्स हैं हमारे वो कवर रहते हैं। ओके, टाई रहते हैं वो। ओके, तो कंप्रेशन के टाइम में या लोडिंग जब होगी उसके टाइम में ये बार हमारे भागेंगे नहीं। अच्छा, तो ये पूरा ऊपर तक कब, ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है जी, वहाँ तक अब ये बन जाए? नहीं नहीं नहीं, ये रिंग सिर्फ कुछ ही इसके ऊपर 300 mm और डालेंगे। इसके ऊपर जो हमारा पार्ट्स आएगा वो पियर कैप का आएगा, तो वो पियर कैप से अटैच होकर सारी पड़ेंगे। अच्छा, तो पियर कैप वाला जो लोकेशन है, जो ऊपर तक का लोकेशन है जी, यहाँ पे वो हमारा कॉन्क्रीट कब तक दिखेगा? इन दिस मंथ, सितंबर 2020 तक, इस पे पूरा ऊपर तक कंप्लीट दिख जाएगा। जी हाँ जी हाँ। सिमिलरली जो यहाँ पे सारे पिलर्स हैं, यहाँ पे देखिए तराई हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये कोई स्पेशल पानी यूज करते हैं आप तराई करने के लिए? क्योंकि हार्ड वाटर तो यूज नहीं करते। ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यूज होता है तराई करने के लिए जी, अदरवाइज तो उसमें सॉल्ट चला जाएगा तो स्ट्रक्चर को नुकसान होगा। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे दो दिख रहे हैं, ये ऊपर तक कब हो जाएंगे, सितंबर में? हाँ, ये अभी इसमें 300 mm और होने हैं। 300 mm, 300 300 दोनों में हो जाएंगे। 300 mm मतलब कितना?
300 mm मतलब बोलो तो 1 फीट के आसपास जाएगा, 1 फीट के आसपास, 1 फीट के आसपास और होगा। उसके बाद में जो ऊपर का और सेक्शन होगा वो हमारा पियर कैप में आएगा। अच्छा जी हाँ, ओके ओके ठीक है। अभी उसमें डाल दिया था, अब इसमें डालेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर यहाँ पे देखिए जो बाकी पिलर्स दिख रहे हैं जी हाँ, उसमें कास्टिंग, अभी कास्टिंग होनी है। अच्छा, बाकी पिलर्स में। ओके, अब सामने देखिए उसमें स्टार्टर डाल चुके हैं हम। स्टार्टर डालने का मतलब है जो रिंग है? नहीं नहीं, नीचे नीचे कंक्रीट दिया होगा 500 का। हाँ नीचे तो डल गया। हाँ यार, 500 mm हमने कंक्रीट कर चुके हैं, स्टार्टर हो चुका है। ओके, अब जस्ट इसके ऊपर हम अपना पियर का शटर लगाएंगे। अच्छा, वो कंक्रीटिंग होगी। रिंग देख रहे हैं आप? रिंग हमने डाल दिया है। रिंग दिख रहा है मुझे जी। इस पिलर की हम बात करें, देखिए इसमें भी रिंग लग गए हैं। जी हाँ, इसमें रिंग लग रहे हैं। अब इसमें शटर लगेंगे हमारे, देन इसका हम कंक्रीट करेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें 3 पिलर पे बेसिकली कास्टिंग का काम दिख गया जी, है ना। अब हम सेक्टर 27-28 चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितने पिलर पे हो गए। कल रात को मैंने देखा था, काम चल रहा था वहाँ पे, और एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था वहाँ का जी, और मुझे उसमें 2 पिलर्स दिखे थे जो छोटे छोटे नीचे हाइट के हो गए थे कास्टिंग। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर तक हो जाएंगे, बट मैंने देखा कि 7-8 पिलर पे छोटे छोटे हाइट के बना दिए। तो अभी वहाँ चलते हैं जी। अब मैं इस सेक्शन में था, अब मैं जो आपको वीडियो दिखाऊंगा वो इस सेक्शन से होगा। इससे पहले जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा था वो वहाँ पे पिलर है, बिल्कुल उस पेड़ के पीछे जो 2 पिलर कास्टिंग कर दिए गए हैं वहाँ पे। और ये डायरेक्शन में अगर हम आगे जाते हैं तो हम नजफगढ़ ड्रेन की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 पिलर हैं, और ये स्टार्टर कास्टिंग बोलते हैं इसको, है ना। मैं जूम करता हूँ कि सबको दिखे, ये स्टार्टर कास्टिंग हो रहा है सामने, और इसके ऊपर जो है वो रिंग आपने डाला है जी। हाँ, रिंग डाल रखा है अंदर। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें रिंग ऊपर इतने ही डिस्टेंस तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा? एक्चुअली ये हमारे एज पर ड्राइंग है, हमारे ड्राइंग में सारी लेवल दी हुई है। ओके, उस लेवल के, लेवल में मेजरमेंट है हमारा, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम टॉप बॉटम टू टॉप जाते हैं। ओके जी हाँ, और उसके बाद में फिर आगे पियर कैप की समझ रहे हैं। और ये जो टॉप रिंग देख रहे हैं आप ऊपर, एक एक सिंगल रिंग है, मैं जूम करता हूं, सबको दिखेगा वो, वो हमारा लास्ट ये देखिए जी हाँ, ये सिंगल रिंग है। यस, अब यहाँ तक हमें रिंग बांध के हमें पियर कास्ट कर देना है। ओके, ये हमारी पियर की हाइट होगी। ओके, उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है उतना, वो उतना ब्लैंक रहेगा, वो हमारा पियर कैप में जाएगा। तो पियर कैप का जब कास्टिंग होगा तो वो इसके साथ जी हाँ जी हाँ हाँ, इसके बाद उसको उसको रखेंगे ना इसके ऊपर। करेक्ट, 8 घंटे लगते हैं एक पियर कैप को ऊपर रखने में मेरे जी हाँ जी हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, ये येल्लो वाला क्या है यहाँ पे, और ये ब्लू वाला क्या है? ये हमारा शटरिंग का फॉर्मवर्क हो गया। कौन सा फॉर्मवर्क हो गया ये? मतलब यही चारों तरफ आपके टाइट होता है जी हाँ, और ये इसमें इसमें हम लगाते हैं स्टेप। ओके, साइड्स में इसको ज्वाइंट करते हैं, इसमें लगते हैं स्टेप। अच्छा, हमें चेकिंग करना हुआ कंक्रीटिंग के लिए, हाँ, हमें ऊपर जाना होता है। ओके, तो वो स्टेप का काम करते हैं, इसमें ज्वाइंट करके वो स्टेप। ओके, तो यही है, स्टेप को उठा के वहाँ पे लगा जी हाँ, असेंबल कर रहे हैं, स्टेप लगाएंगे इसमें, उसके लिए यूज हो रहा है। इसको सामने से करता हूँ रिकॉर्ड, क्या स्टेप का कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा आपका फिर वो हो गया क्या, शटरिंग का? जी हाँ, ये हमारा सारा शटरिंग। ओके, हम और बोलेंगे। ओके, और इस तरफ जो ड्रेन का काम है, ये हमारा सेक्टर ड्रेन है। हाँ, ये सेक्टर ड्रेन ऑलरेडी हो गया है ना? जी हाँ जी हाँ, यहाँ पे ये इतना हो चुका है कास्टिंग, इसकी और भी चालू है। काफी तेजी से चल रही है, मतलब यहाँ से क्या टेढ़ा हो जाएगा ड्रेन वहाँ? जी हाँ जी हाँ, यहाँ से टर्न हो जाएगा, बाकी सारे सीधा हमारा सेक्टर ड्रेन है यहाँ पे। ओके, और ये हमारे जो 2 कैरेज वे है ही है। हाँ, ये आपके 2 कैरेज वे आ रहे हैं, वो MC0 आ रहे हैं, 2 कैरेज वे हमारे। तो जैसे इस तरफ आपने ड्रेन बनाया है जी हाँ, वैसे इस तरफ भी ड्रेन होगा यहाँ पे? हाँ, इधर भी। अच्छा, इधर वाला अभी काम नहीं हुआ? नहीं, अभी मस्ट ऑफ कॉल। ओके, तो ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये धुलसिरस चौक है, हम सेक्टर 24 में द्वारका के। और अगर मैं एकदम उधर जूम करके आपको दिखाऊं तो वो ICC है सेक्टर 25। वो देखिए जो पीछे आपको बड़े बड़े क्रेन्स दिख रहे हैं, और मुझे ये भी बताया गया कि ICC में भी फुल फ्लेज काम शुरू हो गया है। मैंने पिछला वीडियो जब बनाया था तो उसमें ओके ओके लेबर्स थे, बट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा ICC के अंदर में कि क्या काम चल रहा है। और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि सितंबर 2020 में मैं UER2 का भी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, जैसे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप सब तक वो वीडियो बनाकर ज़रूर पहुँचाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम वाला काम कर रही है, वहाँ पर शटरिंग का काम, और वहाँ पर वो पिलर का क्या काम कर रहे हैं? पिलर पे वहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, नीचे क्लीनिंग चल रही है, बॉटम की क्लीनिंग चल रही है। बारिश हुई थी तो वहाँ पे मड और मट कलेक्ट हो गए थे। अच्छा, तो उसको साफ सफाई कर रहे हैं? उसकी सफाई चल रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेक्टर 27-28 में, लेकिन बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो मैं जरूर रोकूंगा। हाँ, शोर, शोर। अच्छा, मुझे ये भी पता करना है, ये जो धुलसिरस चौक के पास वाला रास्ता था जी हाँ, जो ब्लैक टॉप करने के लिए आप बोल रहे थे कि ब्लैक टॉप करेंगे, वो ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया आज हो गया और वो चालू भी हो गई है, और बीच बीच में आपने रास्ता बंद भी कर दिया? नहीं, अब तो खोल दिया पूरा। वो जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर और
ये पिलर पीछे वाला, राइट 155, तो हाँ वो एग्जिस्टिंग रास्ते के ऊपर बन गया जो पुराना रास्ता हुआ करता था जाने के लिए। ना ना ये नहीं है, जस्ट इसके आगे वाले जो पिलर उनको बंद कर दिया। पिलर्स नंबर 150 हमारा उस रोड पे आ गया, एग्जिस्टिंग रोड पे, क्योंकि हमारा वे ही ऐसा है। अच्छा अब मेरे को चीज बताइए, जो ये पिलर कास्ट हुआ है जो 1 और 2 पिलर जो हमने देखा, ये पिलर नंबर 1 और 2 होगा या कुछ और नाम है इसका? ये हमारा पिलर नंबर है 160, ये 160 है जो अभी कास्ट हुआ था जो आपने देखा। अच्छा। 160 है, उसके आगे 161 है, जस्ट उसके आगे हमारा अबटमेंट है A4। अबटमेंट क्या होता है? अबटमेंट ब्रिज, ब्रिज अप्रोच जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अच्छा, जहाँ से कोई भी फ्लाईओवर का ब्रिज शुरू होगा, शुरू होता है, जो फर्स्ट फाउंडेशन होती है और जो लास्ट फाउंडेशन होती है। अच्छा, तो इसका जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो बिल्कुल जो पिलर कास्ट हुआ था उसके बाद के बाद है, उसके बाद के बाद है। अच्छा ठीक है। जो लास्ट आपने फुटेज देखा वो इस सेक्शन से था, ये धूलसरस चौक है, और अब जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो इस सेक्शन का है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो उस एंड से बनाया था, बिल्कुल उधर। ये जो सामने आप ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं, ये वाला, मैं जूम करता हूँ, ये जो ट्रैफिक लाइट आप देख रहे हैं ये धूलसरस का ट्रैफिक लाइट है, धूलसरस चौक का। और अब हम दूसरे सेक्शन में आ गए। ये पुराना रोड हुआ करता था जिसको बंद करने की बात चल रही थी, और इसके जगह यहाँ पे एक अल्टरनेट रोड बना दिया गया। यहाँ पे देखिए, इस रोड से आप आना जाना कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे पियर, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पाइलिंग कैप, पाइल कैप, नीचे पाइल कैप हो चुके हैं, है ना, पाइल कैप हो चुके हैं यहाँ पे सारे। तो जितने पिलर यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे हैं जी, इन सब पे पाइल कैप हो चुके हैं, राइट? या इसके अलावा कुछ और भी पिलर है जिसमें पाइल कैप होना बाकी है? नहीं नहीं अभी है, आप जस्ट ये देखेंगे वहाँ पे दो हैं, जस्ट इसके बगल में हमारा एक कॉरिडोर के 1, 2, 3 मतलब जो भी नहीं हुए हैं एक्चुअली, वहाँ पे हमारा गैस पाइपलाइन की वजह से वो रुका हुआ। ओके, तो गैस पाइपलाइन अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ? नहीं, गैस पाइपलाइन तो, पाइपलाइन तो अंडरग्राउंड हो चुकी है। ओके, लेकिन अभी उस पर कुछ वर्क चल रहा है। अच्छा, और यहाँ पे वाटर पाइपलाइन का जो शिफ्टिंग था? जी हाँ, वो भी चल रहा है, वाटर पाइपलाइन भी हो चुका है, एवं आप उसका जो भी है जब कट आउट। तो हमें वहाँ पे पाइलिंग वाला काम कब तक होता हुआ नजर आ जाएगा? पाइलिंग वहाँ पे कुछ तो मोस्टली हो चुकी है। ओके, जो पाइपलाइन से जस्ट लग के जो हमारी पाइलिंग आ रही थी, जैसे किसी में एक पाइल रुकी हुई है पाउंड, किसी में दो रुकी हुई है, किसी में ऐसे ही रुकी हुई है सारी, जिस दिन वो पाइपलाइन वर्क, वो टाइमलाइन क्या होगा? ये सितंबर में ही करना है हमें, वो हमारे टारगेट में है। अच्छा, सितंबर में करना है। और आपको वो पाइपलाइन शिफ्टिंग करने के लिए जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट हो, उनके तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ जी हाँ। ओके सर, और यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो ये पोचनपुर गाँव है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, सेक्टर 23B बोलते हैं इसको, द्वारका का। और सामने अगर आप देखें वहाँ पर, मैं जूम करता हूँ, वो ये देखिए वो ICC के क्रेन्स हैं जो आपको दिख रहे हैं सेक्टर 25 में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस रोड को बंद कर दिया गया है, ये पुराना रोड हुआ करता था क्योंकि इसी रोड पे पिलर बनने हैं, तो इस रोड को बंद करके यहाँ पे अल्टरनेट रोड दे दिया गया है आने जाने के लिए। वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो जो क्रेन जैसी लगी है छोटी सी, वहाँ पे पाइल कैप की तैयारी चल रही है। अच्छा, पाइल कैपिंग की? जी हाँ, शटर लगा रहे हैं पाइल कैप की। ओके ओके ठीक है। हमने सोचा तो ये था कि सीधा 27-28 जाएंगे सेक्टर, लेकिन दिख गया मुझे कुछ, सोचा कि सबको दिखा दूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्टर 27 और 28 तक, लेकिन अगर बीच में कुछ दिखेगा तो वहाँ पे फिर से रोकेंगे। जो लास्ट आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था, अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा वो इस सेक्शन के यहाँ पे है। जो इससे पहला सेक्शन आपने देखा था वीडियो का, वो उस तरफ एंड में कहीं पे था धूलसरस के पास। यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में पोचनपुर गाँव है, ये अभी भी सेक्टर 23B है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए नीचे पाइल कैप का काम हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप ऊपर तक देखेंगे तो पिलर का भी काम चल रहा है। और सितंबर में इनके ये सब जितने पिलर खड़े हुए दिख रहे हैं, सरिये दिख रहे हैं जी हाँ, तो इसका कास्टिंग कब होगा? इसका सितंबर में हमारी कास्टिंग है, इसकी ज़्यादातर प्रोग्राम हमने सितंबर में रखा है। अगर सब जैसे अभी हम आए हैं तो हमने देखा दो पिलर इधर कास्ट हो गए, छोटे छोटे पिलर कास्ट होने शुरू हुए हैं जी। सितंबर में आएंगे तो सबको फुल फ्लेज पिलर दिखेगा कास्ट होते हुए? जी हाँ, आपको फुल फ्लेज दिखेगा। ओके, कास्टिंग दिखेगी आपको। ओके, यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ से ICC बड़े क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ICC के अंदर, ये सेक्टर 25 है ICC का, और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ICC का जो रूफटॉप था वो नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब आप देखेंगे तो छत बनना शुरू हो गया। वहाँ पे देखिए कवर कर रहे हैं छत को ICC में, काफ़ी स्पीड चल रहा है काम इसका भी। बहुत स्पीड, अभी तो बहुत स्पीड ले लिया है 15-20 डेज से, काफ़ी स्पीड में है ये। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ICC का, ये फ्रंट है ICC का, यहीं पे जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज ये सब होंगे वो इसके अंदर में ही होंगे, और G20 का जो समिट है 2022 में होना है वो इसी के अंदर होना है। और ये पूरा सेक्शन जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे से UER2 की तरफ चले जाएंगे जी।
बहुत धूल उड़ाते हुए आ रही है ये। और अगर हम यहाँ से इस सेक्शन में जाएंगे तो पहले भरतल चौक आएगा, फिर सेक्टर 21 का अंडरपास आएगा, और उसके बाद हम आगे जाएंगे तो शिव मूर्ति आएगा, और शिव मूर्ति के बाद हम वहीं से डायरेक्ट वसंत कुंज भी जा सकते हैं। वसंत कुंज का जो लैंड एक्विजिशन के कुछ चीज़ें पेंडिंग थी उसको भी कोर्ट ने जजमेंट देके उसको अप्रूव कर दिया है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा वो आपको ऊपर बाहर दूर में एक क्रेन दिख रहा होगा, उस तरफ में कहीं पे था, देखिए उस क्रेन के पास आसपास में कहीं पे था, पोचनपुर गांव के पास। सामने भरतल चौक है, और भरतल चौक से हम आगे जाएंगे तो सेक्टर 22 और 23 का वहाँ पे फ्लाईओवर आना है, जो वहाँ से तकरीबन 300 मीटर आगे जाके उतरेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेक्टर 25 है, द्वारका एक्सप्रेसवे का ये अलाइनमेंट है पूरा। और लास्ट वीडियो जो आपने देखा वो इस सेक्शन से था। अब मैं आपको भरतल चौक से होता हुआ इस सेक्शन में आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको वीडियो दिखाऊँगा। यहाँ पे सेक्टर 26 है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अमित जी ये क्या काम हो रहा है? यहाँ पे ये पाइल कैप का वर्क चल रहा है हमारा। यहाँ से हमारे जो कैरेज वे है वो हमारा MC02 से, जो मेन कैरेज वे से, करेक्ट, वहां से ये राइट टर्न लेंगे, मतलब जिनको जाना है एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे तो यहीं से राइट टर्न लेंगे। यस, और वो अंडरपास में चले जाएंगे। वो अंडरपास में चले जाएंगे, ओके, वो सीधा उनके। अब मुझे एक चीज बताइए जी, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, जैसे बाकी जगह मैंने जो पियर कैप देखा था जी, पियर कैप नहीं, पाइल कैप जो देखा था मैंने, वो काफी नीचे था जमीन में, वो ये यहाँ ऊपर है, तो इसका हाइट भी ऊपर होगा पूरा। यस, एक्चुअली क्या है, यहाँ का जो लेवल है, अकॉर्डिंग टू लेवल शीट सारी चीजें हम मेंटेन करके रखे हैं, ओके, और यहाँ का जो लेवल है ये पाइल कैप का, वो हमारा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, ओके, इसलिए हमारा पाइल कैप यहाँ पे ऊपर आ गया। अब जैसे यहाँ पे होता है ये आपको नीचे तब दिखता, या तो फिर हम यहाँ पे सॉइल फिलिंग कर दिए होते, सॉइल फिलिंग करने के बाद में करते देना आपको चीज अंदर दिखती। तो मतलब ये बनाने के बाद में आप इसको फिलिंग करके बराबर भी करेंगे? हाँ, बराबर करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहेगा, कोई दर्जन नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप NH 8 में देख लीजिए जितने अंडर पासेस बने हैं जी, हाँ, और गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड में देख लीजिए आप जी, हाँ, जितने अंडर पासेस बने हैं वहाँ पे, और घरों के अंदर भी बेसमेंट में पानी चला गया था बारिश का जी, हाँ। तो यहाँ पे तो खैर जो द्वारका की सोसाइटी उसमें बेसमेंट नहीं है जी, हाँ, ज़्यादातर में, लेकिन रोड में पानी ना जमे या अंडर पास में पानी ना जमे उसके लिए जय कुमार, आपने एज अ कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लिया है या आपको कुछ? बिल्कुल प्रिकॉशन लिया है एक्चुअली। देखिए, पानी वाटर कलेक्ट होने का सबसे, जैसे सबवे हो गया, अंडर पास में वाटर कलेक्ट होने का सबसे बड़ा जो इशू जाता है वो जाता है ड्रेनेज सिस्टम को, ठीक है। जब हमारा ड्रेन जो हमारे अंडर पास की जो डेप्थ है जी, अगर उस लेवल से हमारा ऊपर रहेगा अगर ड्रेन, तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंडर पास में वाटर कलेक्ट होना ही होना है। तो हमें अंडर पास के साथ में उसके जस्ट बगल में जो हमारे सेक्टर ड्रेन जो बनते हैं उसका लेवल हमेशा हमारा डाउन होना चाहिए, ओके। वो प्रिकॉशन हमारे एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग, एज अ टाइम ऑफ डिजाइन, वो चीजें हमारी, तो वो सारा चीज आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है। ना ही पैकेज 1 में ये प्रॉब्लम आएगी, ना पैकेज 2 में आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमारी ड्रेन की डेप्थ ऑलरेडी जो हमारी है अभी अभी, आप जो आप इसके पहले के वीडियोस में दिखाए होंगे कि वहाँ पे ड्रेन था, उस तरफ डेप्थ देखा था आपने? हाँ, वो तो ड्रेन इतना बड़ा था कि वो एक अंडर पास से भी बहुत, मतलब बड़ा ही था जी, हाँ, सेम एज इट इज, ओके। तो और अगर यहाँ पे आपको जो रेड पॉइंट दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ, वो सेक्टर 21 है द्वारका का, ये देखिए जहाँ पे एयरपोर्ट मेट्रो और येलो लाइन आती है, और वहीं पे वो नया जो पैसिफिक मॉल खुला है वो उसी जगह पे खुला है। अच्छा, ये पहले दिखता नहीं था यहाँ से। तो ये सामने जो है ना वो मॉल दिख रहा है आपको, और उसी के पास नीचे अंडर पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज्यादा लेबर दिख रहे थे काम करते हुए जी, हाँ, उससे, ऐसा क्यों? यहाँ ज्यादा फोकस है? नहीं, फोकस ज्यादा नहीं, फोकस तो हर जगह प्रॉपर है एक ही तरीके से। हाँ हाँ, एक्चुअली इस जगह पे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया में वर्क चल रहा है जी। आपने वहाँ पे देखे, वहाँ पे कई टीम में बटे हुए लोग थे जी। एक्चुअली पाइल कैप में क्या होती है, पाइल कैप में मैन पावर थोड़ी ज्यादा लगती है, ओके, इसलिए यहाँ पे आपको मैन पावर ज्यादा दिख रही है, और पियर में मैन पावर थोड़ी से कम लगती है। अब एक चीज मुझे बताइए, मुझे ये जो भरतल चौक है, अब जो गुड़गांव का ट्रैफिक यहाँ से जाएगा या नजफगढ़ का ट्रैफिक उस तरफ से आके द्वारका की तरफ जाएंगे, या गुड़गांव से लोग द्वारका की तरफ जाएंगे, तो भरतल चौक के बाद सेक्टर 22 का भी वहाँ पे फ्लाईओवर है, नीचे सरफेस रोड है और ऊपर से फ्लाईओवर है 3x3 लेन का, उसके बाद लेफ्ट और राइट में सर्विस लेन्स भी हैं, जो एग्जिस्टिंग सर्विस लेन है वही सर्विस लेन्स है वहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लोग अपोज कर रहे हैं कि फ्लाईओवर नहीं बनने दिया जाए, तो अगर यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनता है और इसका अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं, तो जो द्वारका के ही लोग हैं, जैसे सेक्टर 6 हो गया, सेक्टर 2 हो गया, सेक्टर 1 हो गया, या पालम विहार हो गया, या उत्तम नगर हो गया, या महावीर इनक्लेव हो गया,
या बाकी भी जो सेक्टर्स है सेक्टर 22 और 23 को छोड़ के जिस जो यहाँ से इस रास्ते को यूज़ करके जाएंगे उनको तो ट्रैफिक जाम में ही फंसना पड़ेगा। तो नया आपने पालम विहार का फ्लाईओवर बना दिया फिर, जिसमें 45 मिनट जाने में और 45 मिनट आने में लगता है टाइम पीक आवर में। फिर फ्लाईओवर बनाने का हमारा क्या मतलब, जब हमारा टाइम में ही उतना गेन हो रहा है तो बनाने का कुछ मतलब नहीं। तो ओरिजिनली तो NHAI को स्टिक रहना चाहिए, NHAI मेरे हिसाब से ओरिजिनल जो प्लान बना है NHAI का वो उसमें स्टिक होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए और फ्लाईओवर यहाँ पे बनना चाहिए। आई थिंक एक दो घरों के लिए या एक दो फ्लैट्स के लिए जबरदस्ती का वो कंसर्न रेज कर रहे हैं, फ्लाईओवर बनना चाहिए। मेरा इस वीडियो के थ्रू सारे सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट है, जो भी द्वारका के सोसाइटीज़ है प्लीज़ आप NHAI को लिखिए और उनको बताइए कि आपको ये फ्लाईओवर चाहिए। अदरवाइज़ जब भी आप गुड़गांव से द्वारका जाएंगे या बसंत कुंज की तरफ से आप द्वारका जाएंगे या नजफगढ़ की तरफ से आप द्वारका जाएंगे इस रोड को यूज़ करके, तो यहाँ के जो दो चार जो सोसाइटीज़ हैं वो चाहती है कि फ्लाईओवर ना बने, बट क्यों नहीं बने, पूरे दिल्ली में फ्लाईओवर बन रहा है तो यहाँ पे बनने में क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल, और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, बिल्कुल वो उनके अच्छे के लिए हो। और यहाँ पे मुझे जो पता है गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है ट्री ट्रांसप्लांट करने का, तो पेड़ कोई कट नहीं रहा है नहीं, और एक बार जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो उस एरिया को वापस से ग्रीन किया जा सकता है। ग्रीन किया जा सकता है बिल्कुल, और यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, चालू है आप दूसरे चौक। हाँ, दूसरे चौक में मैं देखा ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, एक समय था वहाँ पे ट्रीज दिख नहीं रहे थे, आज हम वहाँ से गुजरते तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, अब हम चलते हैं यहाँ से इस सेक्शन में आगे जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डाइवर्जन है, वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। सेक्टर जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसको ICC के अंदर में ले जा रहे हैं, तो उसका वहाँ पे काम चल रहा है। अब हम उसके आगे जाएंगे सेक्टर 27-28 में। लास्ट वीडियो जो आपने देखा वो इस सेक्शन से था, यहाँ पे भी ये पूरा पाइलिंग का और यहाँ पे सरिये का जो पिलर खड़ा होगा, जो सरिये बनते हैं उनका काम हो गया है। और अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा वो एग्जैक्टली इस पूरे सेक्शन का होगा। अब हम सेक्टर 27 और 28 के पास आ गए हैं, जहाँ पे ये आप अगर देखेंगे तो हाई टेंशन वायर है। अगर हम इस डायरेक्शन में आगे जाते हैं तो हम सेक्टर 25 और 26 की तरफ चले जाएंगे, यानी भड़तल चौक की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो सेक्टर है वो सेक्टर 27 है और ये जो सेक्टर है सेक्टर 28 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि पिलर का काम चल रहा था यहाँ पे, तो उस टाइम काफ़ी नीचे था, पिलर का काम शुरू ही हुआ था। अब देखिए इसे भी ऊपर उठा दिया गया पिलर को यहाँ पे, और साथ में ये पिलर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी उठा दिया गया है, तो ये दो पिलर हुए हैं। तो टोटल वहाँ पे तीन पिलर मुझे दिखे और यहाँ पे दो, और यहाँ पे और दो पिलर देख लीजिए, चार और तीन, सात, सेवन पिलर्स जो हैं अभी तक उनका ही कास्टिंग हुआ है। आगे भी है, आगे पिलर कास्ट कर दिया। तो हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी दो पिलर हो गए, सात पिलर दिखे मुझे, 11 पिलर कहाँ हैं? आगे भी मिलेगी आप। अच्छा, और अबेडमेंट भी देखना है जहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है, उसका भी कास्टिंग हो गया ना यहाँ पे। सात, आठ और ये नौ, करेक्ट, यहाँ पे भी पिलर का कास्टिंग का काम शुरू हो गया। लेकिन आई थिंक बारिश अगर नहीं होती तो पूरा हो चुका होता अभी। हाँ, बारिश नहीं होती तो काफ़ी तो इसका जो भी मेकअप कैसे करेंगे आप इस टाइम को? बारिश में एक्चुअली मानसून सीजन का हम लेके चलते हैं। अच्छा। हाँ, इंक्लूडिंग रहता है कितना हमारा ये टारगेट रहता है, ये वो फुल फॉर्म वाला जो अलग मंथ्स में रहते हैं ना, हाँ, वो हाँ। सब इसमें इंक्लूड नहीं होते, इसका पता है कि मानसून रहेगा और हमारा वर्क स्लो होगा। okay. इसमें प्रोग्रेस स्लो। इसमें एक चीज़ बताइए, डायमंड जैसा क्यों है? बाकी में तो स्क्वायर स्क्वायर है, ये डायमंड टाइप का। इसका डिज़ाइन चेंज है यहाँ पे, तो इस ये अच्छा होता है या वो अच्छा होता है स्क्वायर वाला? सभी सही है। यहाँ से आप आगे देखिए, वो पीछे आपको सोसाइटीज़ दिख रही होगी, वो पूरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है सेक्टर 111 में, जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में, और उसके पीछे जो सोसाइटी लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है वो महिंद्रा ओरा है। तो अब सोसाइटीज़ यहाँ से दिखनी शुरू हो गई है गुड़गांव की, सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो होना है, और ये यही है अबेडमेंट जहाँ से फ्लाईओवर उठेगा। तो यहाँ पे तो ऊपर भी फ्लाईओवर है नीचे। अच्छा, नीचे से जो लोग ऊपर जाना चाहेंगे उनके लिए वो? जी हाँ। ओके, अबेडमेंट बोलते हैं इसको ना। इसका तो अभी वो हो रहा है सरिये से। यस, वो कास्टिंग हो चुकी है। अच्छा, वो वाली कास्टिंग हो चुकी है और ये कास्टिंग की तैयारी हो रही है। ओके, और अगर हम इस सेक्शन में पीछे की तरफ जाएंगे ये हमारा तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। यस, और आगे की तरफ देख रहे हैं हमारा लॉन्चिंग का सेटअप। लॉन्चिंग का सेटअप वो वाला जो पीछे, जी एक सेकंड मैं सबको दिखा देता हूँ। देखिए पीछे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे वहाँ पे, वो इनके लॉन्चर का सेटअप है। तो जो ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनेगा उसके लॉन्चर्स जो होंगे वो उसका सेटअप चल रहा है वहाँ पे। एंड में देखिए
बट ये तो ऑरेंज कलर के होते हैं, आपने कलर नहीं किया इसको अभी? नहीं नहीं, अभी तो ये प्राइमर मारा हुआ है, देन इसके बाद फिर... अच्छा, इसके बाद कलर करेंगे फिर उसमें डालेंगे। तो लॉन्चर आप कब तक लगा देंगे? लॉन्चर है सितंबर 25 सितंबर या लास्ट ऑफ सितंबर। अच्छा, एंड ऑफ सितंबर तक आप लॉन्चर का काम लगाने का शुरू कर देंगे। बट लॉन्चर लगाने के तो फिर कहाँ लगाएंगे लॉन्चर, ऊपर में तो अभी पिलर बने नहीं है बड़े बड़े। ये पिलर्स बनेंगे ना, अब यहाँ पे वर्क चल रहा है आपको। हाँ, दिख रहा है अब यहीं से स्लोप उठ। अच्छा, यही लॉन्चर को आप ऊपर उठाने के लिए बना रहे हैं? यही लॉन्चर को ही ऊपर उठाने के लिए हम सेटअप कर रहे हैं। अच्छा जी, तो पहला जो पैकेज 2 में लॉन्चर का काम शुरू होगा यहाँ होगा, वो इसी सेक्शन से शुरू होगा। जी ओके। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है आपको, यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो लगभग 900 मीटर के करीब है। तो ये हमारा जो वीडियो है, ये पैकेज 2 का वीडियो पूरा हुआ। पैकेज 1 में भी काम शुरू हो गया है। जब मैं पैकेज 1 का डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको वहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या काम शुरू हुआ है। थैंक यू अमित जी, टाइम निकाल के आपने इतने डिटेल में बताया। बट ये वीडियो थोड़ा छोटा है जी। अभी जब और थोड़ा सा काम दिखने लगेगा तो हम पूरा, जितना भी लास्ट टाइम हमने जैसे वीडियो बनाया था डिटेल में मैप के साथ हर सेक्शन में जा जाके, वो वाला भी बनाएंगे। लेकिन मुझे इस वीडियो का छोटा इसलिए बनाना पड़ा कि लग रहा था कि बारिश होने वाली है, बट अब देखे तो धूप आ गई। बिल्कुल, धूप काफ़ी अच्छी। हाँ, काफ़ी अच्छी धूप हो गई है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और हम तो ये चाहते हैं कि बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेकिन हम नेचुरल हैं, वो भी और उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि बारिश भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ट्रांसप्लांटेशन हुआ है पेड़ों का, तो बारिश बहुत ज़रूरी है उनको सर्वाइव करने के लिए। जी जी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। पैकेज 4 का वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ बारिश की वजह से, 3-4 बार मैंने ट्राई किया नहीं बना पाया हूँ। तो ये वाला वीडियो फिलहाल, पैकेज 2 का वीडियो आप देखिए। जल्दी पैकेज 4 का भी वीडियो बनाऊंगा। और हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में जो रास्ता, नया रास्ता बन रहा है, और वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है उसका वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। जय हिंद।